कहीं मेरे पैर एकदम आगे ना निकल जाए ऐसे। सबसे पहले जो डाउट था इस स्लीपर्स को लेने में, क्योंकि आदत है नॉर्मल चप्पल की, हमारे अंदर कुशन है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके चैनल रियलिटी चेक में, जहां हम करते हैं डिफरेंट अलग विभिन्न प्रोडक्ट्स का रिव्यू और बताते हैं वो आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। सबसे पहले दोस्तों माफी चाहते हैं, इतने टाइम बाद आपके लिए वीडियो ला रहे हैं और अपनी रीच भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं। खैर, जिंदगी की रोड है टेढ़ी और पैसों की जरूरत थी मेरी, ये क्या बोल दिया, जिंदगी की रोड है टेढ़ी और प्रोडक्ट्स की रिव्यू करना इच्छा है मेरी। दोस्तों हम यहाँ करेंगे हर तरह के प्रोडक्ट्स का रिव्यू, चाहे वो हो घड़ी या डिटर्जेंट या हो घड़ी डिटर्जेंट। ओह माय गॉड, तो दोस्तों चलिए फिर आप हमारे साथ जुड़े रहिए। उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला, और हम आपको देंगे आपके वक्त का पूरा मजा, अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स का रिव्यू करके लाएंगे आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपने पहनने के साथ साथ खाया भी होगा, एक ऐसा प्रोडक्ट जो मिलता सस्ता है बट हर मंदिर से चोरी हो जाता है। अगर आपने अभी तक समझ लिया है, बिल्कुल सही समझे, वो है स्लीपर्स। दोस्तों ये एक नीमेंस एक ऐसा ब्रांड है जो कि काफ़ी अंडररेटेड है, इतना फेमस नहीं है, काफ़ी नया ब्रांड है, और हमारा काम ही क्या है नए नए ब्रांड्स के चीज़ों को खरीद के आपके लिए रिव्यू करना, ठीक है। तो चलिए पहले इसको करते हैं अनबॉक्स। ऑलरेडी मैंने ओपन कर लिया है बट ठीक है। ओके तो दोस्तों कुछ ये हैं स्लीपर्स हमारे सामने, अच्छे हैं, काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं देखने में। तो पहली बात तो ये कि जो ऑर्डर किया वही आए भाई, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। खैर चलते हैं, लग बढ़िया रहे हैं, क्वालिटी अच्छी है, मुझे काफ़ी सही लगे। अगर आप देख सकते हैं पैसा भी सही खास अच्छा खासा लगा है। इस एक चीज़ तो पक्की है, इसको पहनने के बाद मैं ओम शांति ओम का ओम कपूर लगूंगा, पर मेरे पास 40 नौकर नहीं है। चलिए फिर इसको पहनते हैं, ट्राई करते हैं, यूज करते हैं और देखते हैं कि कैसा है ये प्रोडक्ट। 1 week later। तो दोस्तों 3-4 दिन मैंने इसको यूज कर लिया और अब मैं शायद आपको इसका एकदम परफेक्ट रिव्यू दे पाऊँ, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि मैंने इसको ऑफिस में, मेट्रो में, रोड पे आने जाने में, घूमने फिरने में, बाथरूम में, अरे बस कर भाई, और बहुत जगह यूज करा। उसके बाद मैं एक चीज कह सकता हूँ, मुझे सबसे पहले जो डाउट था इस स्लीपर्स को लेने में, क्योंकि आदत है नॉर्मल चप्पल की, हमें उसमें जो बीच में वहाँ होल्डर होता है वो इसमें नहीं है, तो मुझे लगा कि कहीं मेरे पैर एकदम आगे ना निकल जाए ऐसे। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बहुत ही जल्दी, बल्कि एक ही दिन में मैं यूज टू हो गया इस स्लीपर को पहनने में। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी मुझे इसकी। बाकी इसकी बॉडी के बारे में बात करें, जो ये पार्ट है काफ़ी अच्छा दे रखा है, अंदर कुशन है आप देख सकते हैं इसमें, जो कि एक अच्छा कंफर्ट देता है अपने पैरों को। इसके अलावा इसकी बात करें तो ये काफ़ी हार्ड नहीं है, काफ़ी सॉफ्ट नहीं है, तो एक अच्छा ग्रिप देते हैं पैरों पे और अच्छी खासी, मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल चिकना है, बिल्कुल ऐसे फिसलेगा नहीं पैर। बाकी बैक साइड भी देख सकते हैं बहुत अच्छा है, तो ये एक अच्छी कंफर्टेबल लगता है पहनने में। यू नो कि रेनी सीजन है, हमें लगता है कहीं फिसल ना जाए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ, मैंने पहन के देखा, मैं इजीली मड वगैरह पे अगर ऐसे नॉर्मल रोड पे जो होता है गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो कि फिसल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, शायद उन स्लीपर्स के मुकाबले देखा जाए तो। एक्चुअली क्या होता है, उन स्लीपर्स में जो आगे होल्डर होता है ये काफ़ी धीरे 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 चुभने लगता है पैरों में, उंगलियों के बीच में बहुत प्रॉब्लम होने लगती है, इसमें ऐसा नहीं है, इतना मस्त, इतना कम्फर्टेबल, लाइक मक्खन वाली फीलिंग, बहुत अच्छा लगता है। ये प्रीमियम है, ये काफ़ी प्रीमियम चप्पल है, तो बहुत वैसा फील भी दे रही है, ठीक है। ये सब चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी मैंने, क्योंकि हर जगह ट्राई करो और मेरे को इसकी बॉडी बहुत अच्छी, ग्रिप बहुत अच्छा है इसका नॉर्मल स्लीपर्स के मुकाबले, ठीक है। इसके बाद आते हैं, हर चीज़ कोई चीज़ अच्छी होती है तो उसमें कुछ कमियाँ भी होती हैं, तो कमियों की बात भी कर लेते हैं, सिर्फ तारीफ करना गलत बात है। तो कमी की बात करें तो इसकी, मैं बाथरूम में पहन के गया, नहाने के बाद इसको पहनना उतना कम्फर्टेबल नहीं है, इसलिए कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि इसमें कुशन वगैरह है तो सूखने में टाइम लगता है। तो इसलिए मैं कहूँगा अगर आप ये ले रहे हैं तो बाथरूम पहनना नहाने के टाइम, या नहाने जा रहे हैं गीले पैर हैं तो उस टाइम पहनना इसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि अंदर ही कुशन है, इसको फिर टाइम लगता है सूखने में, जो कि नॉर्मल स्लीपर्स में ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक चीज़ जो ये मुझे, मतलब मेरे हिसाब से मेरे को प्रॉब्लम लगी, इसके अलावा अगर मैं और अगर आपको प्रॉब्लम कुछ बोलूँ तो इसमें मुझे
सच कोई खास प्रॉब्लम और नहीं लगी, एटलीस्ट जस्ट एक ये प्रॉब्लम थी कि गीले होने के बाद सूखने में टाइम लगता है, बाकी इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसे नॉर्मल पहनना चाहते हैं तो आप पहन सकते हैं कहीं पे भी, ठीक है दोस्तों। बट अब आते हैं बात प्राइस पे, क्या प्राइस के हिसाब से ये वर्थ इट है? वेल मेरे हिसाब से तो नहीं। इसका भी रीज़न है क्यों, क्योंकि देखिए स्लीपर्स एक हम आम आदमी लोग पहनते हैं, मतलब नॉर्मल डेज में, तो हम लोग को एक बजट होता है कि हम लोग 100, 150, 200 इससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। इसका प्राइस ऑलमोस्ट अगर आप अमेजोन पे देखेंगे 1000-1200 के बीच में चलता है, ठीक है, ये चेंज होता रहता है। मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। 1000-1200 के आसपास इसके प्राइस है, जो कि हम एक नॉर्मल जो आम आदमी है वो यूज़ नहीं करना चाहेगा, वो वेस्ट नहीं करना चाहेगा, उतना पैसा लगेगा कि हमें क्यों यूज वेस्ट करना है, एक नॉर्मल स्लीपर भी तो मिल जाती है। हाँ अगर आप चाहें ऐसी चप्पल आपको लोकल मार्केट में मिल जाएगी 350-400 रुपये में मिल जाती है इजीली। बट दोस्तों ये एक काफ़ी नया ब्रांड है, पहली बात तो बताऊँ मैं आपको, इसके इसके बारे में भी बताऊँगा कि क्या ब्रांड और क्यों हमें इसे लेना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो हमारी ये बात आ गई कि 350 में नॉर्मल मार्केट मिल जाती है, और लोकल स्लीपर जो हमारी नॉर्मल वाली होती है वो 100-150 में मिल जाती है, तो इसको लेने का क्या? अगर आपके पास पैसे हैं और आप खर्च कर सकते हैं कम्फर्टेबल पे, एक एक्सपीरियंस पे, तो आप इसको लीजिए। मैं इतना कह सकता हूँ कि इसको लेने के बाद आपको रिग्रेट नहीं होगा पैसा खर्च करने में, इतनी मेरी गारंटी है। क्यों? क्योंकि ये फील भी दे रहा है वैसा बिल्कुल अच्छा, नॉर्मल स्लीपर से काफ़ी अच्छा, क्योंकि मैं खुद भी दोनों यूज़ करता हूँ, और मैंने आपके लिए मंगाया क्योंकि आपको रिव्यू करके बताएं तो मैं तो बहुत खुश हूँ इस प्रोडक्ट से, ठीक है। अगर आपको आपके पास पैसे हैं खर्च कर सकते हैं तो बिल्कुल खरीदिए, बिल्कुल अफसोस नहीं होगा। अंटिल कि आप लोकल मार्केट में जाके सर्च करेंगे इसको तो अलग बात है, इसके नाम के डुप्लीकेट मिल जाएंगे वो। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद आते हैं हम इस प्रोडक्ट के बारे में कि ये प्रोडक्ट क्यों लेना चाहिए। दोस्तों ये एक ऐसी चप्पल है, या तो ये एक ऐसा ब्रांड है जो नीमेंस, इस ये जो भी बनाता है शूज़ बनाता है, स्लीपर्स वगैरह बनाता है, मैंने जहाँ तक अभी तक देखा है इसमें, ये बनाते हैं ऑल जो रिसाइकल्ड चीज़ें होती हैं, जैसे टायर से बनाते हैं, प्लास्टिक से बनाते हैं, और जो भी रिसाइकलेबल चीज़ें पॉलीथीन वगैरह इन सबको यूज़ करके उसमें कुछ अपने मटेरियल्स वगैरह डाल के उससे बनाते हैं, और ये कम्प्लीटली एक सेफ है इन्वायरमेंट के लिए, कोई इसमें केमिकल्स नहीं होते हार्मफुल हमारे लिए, तो हमारे लिए एक अच्छी चीज़ हो गई कि एक अच्छी चीज़ पहन रहे हैं, ऊपर से नेचर को भी सेव कर रहे हैं। अगर आपके पास पैसे हैं और आप उतने खर्च कर सकते हो तो वाई नॉट, करना चाहिए, नेचर को सेव करना हम सबका काम है। ऑब्वियसली प्लास्टिक यूज़ करना बंद कर दीजिए सब, ठीक है दोस्तों। तो एक मैंने अपने तरफ से सजेशन दे दिया, तो बाकी डिसीजन आपका है। तो दोस्तों ऐसे ही अगर आप हमें और सपोर्ट करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। हमारी अगर आपके कोई भी क्वेरीज हो इस स्लीपर से रिलेटेड, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, और आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बेझिझक, बहुत अच्छा लगेगा हमें आपको जवाब देने में, तो बिल्कुल पूछिएगा। और अगर यहां तक आ गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वो घंटे का बटन दिख रहा होगा उसको भी दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा, और हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।